दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन आप डर रहे हैं कि आप स्टार्टिंग कैसे करें, आप फर्स्ट वीडियो कैसे शूट करें, आप फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने कैसे फेस करेंगे, और तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप अपना फर्स्ट वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं और उस पर क्या क्या आपकी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें कि जैसे आप कैमरे को फेस करेंगे, फर्स्ट वीडियो शूट करेंगे, तो आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा या क्या कहेगा। अगर आपके मन में ये नहीं आता है तो आपका डर अंदर का जब खत्म हो जाता है, आप अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप YouTube पर वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको हिम्मत करनी होगी, लोगों की परवाह करना छोड़ना होगा, क्योंकि जो लोग YouTube पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो वो उनका मेन रीज़न यही होता है कि वो लोग लोगों की परवाह ज़्यादा करते हैं, खुद के अंदर का डर वो लोग नहीं निकाल पाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत होती है, तो उसी को आपको ध्यान में रखना है। आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है, क्योंकि YouTube पर आने का आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। जैसे आप अपने नेम के लिए आना चाहते हैं, आप नेम फेमस होना चाहते हैं, या आपका कोई टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपका कोई शौक है उसको आप बताना चाहते हैं, या आप एक्टिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या आप पैसिव इनकम के लिए सोर्स बनाना चाहते हैं। इन सब में से कोई ना कोई आपका एक वैलिड रीजन होगा जिसके लिए आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं। लेकिन जो आपका रीजन है वो सॉलिड होना चाहिए, और वो सॉलिड रीजन तभी होगा जब आपको उसके लिए एक चाह होगी, एक इच्छा होगी कि नहीं, मुझे वो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आपको सबसे पहला जो टारगेट होता है, आपको एक प्लानिंग करनी होगी किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो मैं उस सभी स्टेप के बारे में आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, वन बाई वन। मैं इसमें आपको 8 स्टेप ऐसे बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप फर्स्ट वीडियो शूट करने से लेकर एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन पाएंगे आप। क्योंकि इसमें लेकिन एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि वीडियो जब आप शूट करना स्टार्ट करें तो आपके वीडियो में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब आप वीडियो अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर अपनी जर्नी, तो आपके वीडियो में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी अपने चैनल पर लगभग 1-1.5 साल का ब्रेक दे दिया था, इस वजह से मेरा भी सब्सक्राइबर बेस और द नॉलेज जंक्शन फैमिली आगे नहीं बढ़ा। अभी लगभग 3,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से अब ये काफ़ी आगे जाने वाला है, क्योंकि अब इस पर रेगुलर वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब आप अपने अंदर की पहले हिम्मत को जागृत कर लीजिए, अपने अंदर का डर निकाल दीजिए, और उसके बाद मेरे साथ आइए। मैं आपको 8 स्टेप ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपका डर निकलेगा तभी आप ये स्टेप फॉलो कर पाएंगे। तो डर निकाल दीजिए और ये मेरे 8 स्टेप फॉलो कीजिए, और इसके बाद आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाएंगे और पहला वीडियो आप शूट करके अपलोड कर पाएंगे। तो पहला वीडियो शूट करके अपलोड करने तक का पूरा प्रोसेस आप इसमें जानेंगे। आप अगर पहले से भी यूट्यूब पे बना रहे हैं वीडियो, तो आप ये सपोज करके चलिए आपका ये फर्स्ट वीडियो है, और इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए तो आपको भी उसका बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश सिंह, और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द नॉलेज जंक्शन में। तो सर, जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है प्लानिंग, क्योंकि आपको अगर सक्सेस होना है तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए। और प्लानिंग आप कैसे कर पाएंगे, सपोज कीजिए आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपको जो चैनल आप बना रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको टारगेट करना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि 2 साल बाद आप अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर की तरह कहां पर देखना चाहते हैं। तो वो प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि 2 साल बाद मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपना नाम बनाना है, आइडेंटिटी बनानी है। तो इस तरह की आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग जब आपकी जितनी सॉलिड होगी, आपका चैनल भी उतनी जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि आप मेहनत भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। स्ट्रेटजी और प्लानिंग इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें जितना ज़्यादा सॉलिड रीजन होगा, उतनी ही आप लोगों की केयर करना बंद करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों की केयर करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैमरे को फर्स्ट टाइम कैसे फेस करूंगा, ये सब जो आपके अंदर का डर होगा, ये प्रॉपर प्लानिंग से होगा निकलेगा। क्योंकि अगर प्लानिंग आपकी सॉलिड होगी तो उसके लिए एक आपका सॉलिड रीजन होगा, जिस क्योंकि आप अगर नेम बनाना चाहते हैं, या फेमस होना चाहते हैं, या आप एक्टिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्लानिंग बहुत ही सॉलिड हो।
प्लानिंग सॉलिड होने के लिए एक सॉलिड रीजन चाहिए, तो पहले आप वो सॉलिड रीजन खोजिए कि मुझे नेम बनाने के लिए आना है या फेमस होने के लिए आना है, या आपको कोई शौक है मैं उसका आप करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रख के तब प्रॉपर प्लानिंग करके फर्स्ट वीडियो शूट करने के लिए आपको आना होगा। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप फर्स्ट वीडियो शूट करने जा रहे हैं तो आपकी प्लानिंग कितनी लंबी है, आप कितना आगे तक जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इतना लंबा प्लान, तो आप पहले इतनी ही प्लानिंग कीजिए कि मुझे फर्स्ट वीडियो शूट करना है, लोग क्या कहेंगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अपने अंदर ये जुनून ले लिया कि लोगों के कहने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप अपना फर्स्ट वीडियो शूट कर लेंगे, नहीं तो आप उनकी केयर करते रहेंगे। तो ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कि सोचते हैं मुझे यूट्यूब पर चैनल बनाना है, लेकिन वो बना नहीं पाते क्योंकि वो लोगों की केयर ज़्यादा करते हैं। इसलिए उनकी केयर करना बंद कीजिए, उनकी परवाह करना बंद कीजिए कि वो क्या कहेंगे। आप अपने अंदर का मोटिवेशन लाइए और अपने अंदर का डर निकालिए और आगे बढ़िए। और सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है प्लेस का सिलेक्शन, जहाँ पर आपको वीडियो शूट करना है वो कैसा प्लेस होना चाहिए। प्लेस दो टाइप के हो सकते हैं जहाँ पर आप वीडियो शूट कर सकते हैं। एक तो आपका आउटडोर हो सकता है, आउटडोर में आप कहीं पे भी जो आपका गार्डन है वहाँ शूट कर सकते हैं, या कोई पार्क है पार्क में जाकर शूट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन अच्छी होती है। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो वीडियो आपका काफ़ी क्लियर होता है। और अगर आप इंडोर में शूट करना चाहते हैं तो किसी ऐसे रूम में शूट कीजिए जहाँ पर लाइटिंग अच्छी आ रही हो, बाहर से लाइटिंग आ रही हो, तो वो आपका वीडियो उसमें इफेक्टिव रहेगा। अगर वो नहीं है, लाइटिंग का नहीं है, तो आप लाइटिंग अरेंजमेंट कीजिए कुछ। आप स्टार्टिंग में कम बजट है आपका तो बल्ब वगैरह वो यूज़ कीजिए, उसका यूज़ करके कुछ थोड़ा सा लाइटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता 100-200 रुपए में आप उसको रेडी कर सकते हैं। वो अगर आपको उसमें भी जानना है कि कैसे रेडी कर सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उसके बाद इंडोर में जो आप शूट कर रहे हैं तो वॉल के सामने खड़े होकर शूट कर सकते हैं, या कोई आपने पीछे कर्टेन लगा लिया बैकग्राउंड नहीं शो करना चाह रहे हैं तो कर्टेन के सामने शूट कर सकते हैं, या आपको और थोड़ा सा एडवांस। तो उसके बाद आप एक ग्रीन कर्टेन ले सकते हैं, ग्रीन कर्टेन को बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं, और उस बैकग्राउंड में बाद में आप कोई भी स्क्रीन ले लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड। तो जैसा कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन कर्टेन, आप देख सकते हैं इसको मैं वीडियो में शो भी कर रहा हूँ आपको। तो इसके बाद आप इसमें अपनी पसंद से कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो इसके बाद का जो स्टेप आता है कि हम अब कैमरा कौन सा यूज़ करें और कैमरे के सामने कैसे बोलें। तो सबसे पहले आपको, अगर बजट आपका अच्छा है तो आप एक प्रोफेशनल कैमरे पे जाइए, और अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप मोबाइल कैमरे से वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी मोबाइल कैमरे से ही शूट कर रहा था और अभी भी शूट कर रहा हूँ मोबाइल कैमरे से ही। तो मोबाइल कैमरे से शूट करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो आपको उसमें ध्यान देना है कि जब आप कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हो तो आपका हेजिटेशन कैसे खत्म होगा। तो कैमरे को ही आपको अपना फ्रेंड समझना है, जो क्लोज फ्रेंड है वो आपको समझना है कि आप उससे नॉर्मली बात कर रहे हैं। जब आप उसको कैमरे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे तो आप उससे अपनी सारी बातें कह पाएंगे, और कैमरे की लेंस में मीन्स अपने फ्रेंड के से आई कांटेक्ट करके ही आपको बात करना है, जिससे आपकी ऑडियंस जब सुने तो उससे लगे कि वो आपसे बात कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि कैमरे के सामने जब भी आप बोल रहे हो तो लेंस पर भी लेंस से आपका कॉन्टेक्ट बराबर होना चाहिए। लेंस पर कॉन्टेक्ट होने से ऑडियंस को लगता है कि आपसे बातचीत बराबर हो रही है, लेकिन आपको कैमरे के सामने ये आपका डर खत्म होना चाहिए कि हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, तो उसके बाद आप कैमरे के सामने फर्स्ट वीडियो अपना शूट कर पाएंगे। तो हेजिटेशन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कैमरे को समझ लीजिए कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा। उसके बाद आता है कि आप ऑडियो कैसे शूट करें, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करें। ऑडियो वीडियो में थोड़ा बहुत अप डाउन चल जाएगा वीडियो क्वालिटी में, लेकिन अगर ऑडियो आपके क्लियर नहीं है, साउंड आपको ऑडियंस को प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ऑडियो के लिए आप कोशिश कीजिए, मोबाइल कैमरा आपका काम कर जाएगा, लेकिन जो ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए आपको ऑडियो माइक एक ले लेंगे तो बेटर रहेगा। ऑडियो माइक आप कोई भी जिसमें अच्छा नॉइस कैंसिलेशन हो वो ले सकते हैं, या बोया का ले सकते हैं, या और भी कोई माइक ले सकते हैं जिसमें नॉइस कैंसिलेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अभी यहाँ पे फैन ऑन है, जैसा कि इससे पहले जो वीडियो शूट हो रहा था उसमें आपने देखा फैन ऑन था, तो उसका ऑडियो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने फैन ऑफ कर दिया है तो अब की ऑडियो क्वालिटी में और पहले की ऑडियो क्वालिटी में काफी फर्क है। तो मुझे यही वीडियो में आपको दिखाना था कि दोनों ऑडियो क्वालिटी में क्या फर्क होता है, ऑडियंस कैसे इंटरेक्ट होती है। तो ये ऑडियो का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑडियो के लिए अच्छा माइक यूज करिए, जो कि आपका 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में एक आपको अच्छा माइक मिल जाएगा। जब आप एक अच्छा माइक ले लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं,
वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है एडिटिंग का आता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप वीडियो शूट करेंगे उसमें कई कमियां होंगी और कुछ आपको उसमें ट्रिम करके हटाना पड़ेगा, कुछ इफेक्ट वगैरह डालना पड़ेगा, कहीं पर टेक्स्ट आपको डालना है, कुछ विजुअल इफेक्ट डालना है या कुछ वीडियो में एड ऑन करना है, कट करना है, तो वो सभी चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज उसका होना चाहिए। तो उसके लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है काइन मास्टर है, फिल्मोरा है, कैनवा है, पावर डायरेक्टर है या वीडियो मेकर है, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। अगर आपको एडिटिंग का आइडिया नहीं है तो आप लोग कमेंट करेंगे जिस भी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना है, मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, वहां से आप सीख सकते हैं कि वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो एडिट भी अगर हो गया, आपका शूट हो गया, एडिट हो गया, तो अब आपके पास ऑप्शन नेक्स्ट आता है कि वीडियो को अपलोड कैसे करें। तो वीडियो को अपलोड करना बहुत ईजी है, आप यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कीजिए, वहाँ प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए और जाकर वीडियो अपलोड कर दीजिए। लेकिन वीडियो आप अपलोड तो कर देंगे लेकिन यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से काम मेन स्टार्ट होता है। जब वीडियो आपने वहाँ पर अपलोड कर दिया तो यूट्यूब स्टूडियो में जाकर आपको कुछ अच्छा टाइटल देना होगा। जैसे अगर हम बात करें जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी टिप्स हैं जो फर्स्ट वीडियो शूट करने में हेल्प करेंगी। तो इसके लिए टाइटल आप हिंदी में भी दीजिए, इंग्लिश में भी दीजिए। तो मैं इसका जैसे टाइटल अगर डिसाइड करूँ तो हो सकता है हाउ टू शूट योर फर्स्ट वीडियो, आप अपना फर्स्ट वीडियो कैसे शूट करें, फर्स्ट वीडियो शूट करते हैं अपने अंदर का डर कैसे निकालें, फर्स्ट टाइम कैमरे को कैसे फेस करें, इस तरह से आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। टाइटल आप जब आपने दे दिया है तो उसके बाद होता है एक अट्रैक्टिव थंबनेल। जैसा कि अगर आप बात करें एक नॉर्मल एग्जांपल से हम समझें कि कोई भी मूवी अगर रिलीज हो रही है तो रिलीज होती है तो आप देखते हैं वॉल पे पोस्टर लगे होते हैं, तो पोस्टर देख के कई बार आप ये डिसाइड करते हैं कि हमको मूवी देखना है या नहीं देखना है। तो इसी तरह थंबनेल का भी रोल होता है। अगर आप कोई भी यूट्यूब पर सर्च कर रहा है, जा रहा है, तो उसमें देखता है अगर कोई अट्रैक्टिव थंबनेल उसको मिलता है तो उस पर वो एक बार क्लिक करता है। अट्रैक्टिव थंबनेल मीन्स जैसे मूवी का पोस्टर होता है वैसे ही आपके वीडियो का जो मेन पोस्टर है वो थंबनेल है। थंबनेल को देखकर जो है ऑडियंस डिसाइड करेगी कि आपका ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है। तो इसलिए अट्रैक्टिव थंबनेल आप जरूर लगाएं। जब थंबनेल पर वो क्लिक करेगा और उसके अंदर उसको कंटेंट भी अच्छा मिल जाएगा फिर तो वो वीडियो पूरा देखेगा। इस तरह धीरे धीरे आपके वीडियो बढ़ते जाएंगे, व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। तो ये कोशिश कीजिए थंबनेल अट्रैक्टिव लगाइए। थंबनेल भी आपने लगा दिया तो एक और ऑप्शन उसमें कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ टैग कर दीजिए, जैसे हाउ टू शूट योर फर्स्ट वीडियो, हाउ टू शूट फर्स्ट वीडियो इन लो बजट, हाउ टू फेस कैमरा फर्स्ट टाइम, इस तरह से जो जो कीवर्ड्स हो सकते हैं कि आप तक पहुंचने के लिए उस वीडियो को सर्च करने के लिए, वो सभी कीवर्ड्स आप उसमें यूज कर दीजिए। जब वो सभी कीवर्ड्स यूज करेंगे तो जो ऑडियंस है वो सर्च करके आपको उस वीडियो को फाइंड आउट कर सकती है। तो इस तरह आपने फर्स्ट वीडियो शूट करके अपलोड कर दिया, जब अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आप एक बार वीडियो को देखें। जब आप वीडियो को खुद से देखेंगे तो उसमें आपको कई सारी कमियां नजर आएंगी, उस कमियों को देख के आपको घबराना नहीं है बल्कि वो सीखना है आपको कि आप कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका ये फर्स्ट वीडियो था ये आपका स्टेपिंग स्टोन है, ये आपका नींव का पत्थर है, यही वीडियो आपको आगे ले जाएगा। अब यहीं से आपको डिसाइड करना है कि हमको कितना आगे जाना है, हमारा टारगेट क्या है, वो आपका टारगेट यहाँ से डिसाइड होता है और उसमें क्वालिटी को आप इम्प्रूव करते जाइए करते जाइए। धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल वीडियो मेकर बन जाएंगे और प्रोफेशनल वीडियो आप शूट करने लगेंगे और अपलोड करते रहेंगे। ये प्रोसेस करने के लिए आपको एक के बाद दूसरा तीसरा इस तरह से 25-30 वीडियो के बाद आपके वीडियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट होने लगेगा। क्योंकि मैं भी जब वीडियो स्टार्ट किया था नॉर्मल कैमरे से ही शूट करता था और अभी भी नॉर्मल कैमरे से ही, मैं मोबाइल कैमरे से ही शूट कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूँ। मेरा एक साल का जो इसमें मैंने गैप कर दिया था उस वजह से ही जो है व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स रुक गए थे, बट अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है तो आप लोग के सपोर्ट से अब ये चैनल धीरे धीरे कंटिन्यूस ग्रो होता जाएगा और ये द नॉलेज जंक्शन फैमिली आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोग अब इसमें सपोर्ट करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए जिससे लोगों को यूजफुल जानकारी मिल पाए। और अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई एक 10-20 लोग भी अपने अंदर का डर निकाल के फर्स्ट वीडियो शूट कर पाते हैं अपना, तो मैं समझूंगा कि वीडियो को बनाने का जो पर्पज है वो सॉल्व हो चुका है। क्योंकि आधे लोगों का डर यही होता है कि वो कैमरे के सामने कैसे फेस करें, वीडियो कैसे शूट करें, और लोगों की वो केयर बहुत ज्यादा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो वो सब डर निकाल के अगर आप फर्स्ट वीडियो शूट कर लेते हैं इस टिप्स को फॉलो करके तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज सॉल्व हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप के चैनल बना सकते हैं और उससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं।